संजीव सर हमारे साथ हैं। संजीव सर, चूंकि अजीत पवार की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार की जो एंट्री है अलग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, वो काफी दिलचस्प है? शरद पवार की पार्टी का 17% का जो वोट था वो उसको घटाकर 10% पर ले आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, और खुद भी 5-6% वोट हासिल किए, डेंट पहुंचाया उन्होंने एनसीपी को। संजीव सर, देखिए डेफिनेटली बहुत लंबे समय से शरद पवार अजीत पवार को ही कल्टीवेट कर रहे थे, वही उनके, चाहे सुप्रिया उनकी बेटी थी लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी एक तरह से, और राज्य के स्तर पे वो अजीत पवार को डेवलप किया जा रहा था शुरू से। सुप्रिया की भूमिका ज़्यादा दिल्ली में केंद्र की राजनीति में देखी जा रही थी, ऐसा उनका पावर डिविजन हो गया था। तो शरद पवार के लिए बहुत ही बड़ा झटका था अजीत पवार का साथ छोड़ना, और जनता ने भी उसको बहुत बड़े धोखे या विश्वासघात की तरह लिया, मतलब जनता के गले नहीं उतरा वो समीकरण, और उसकी उसका परिणाम अजीत पवार को लोकसभा चुनावों में काफी हद तक भुगतना पड़ा। अब क्या वो गुस्सा निकल चुका है, एक बार दूसरी बार नहीं निकलेगा? जैसे चुनावों में कहते हैं एक कारतूस बार बार नहीं चलती, क्या वो सब मुद्दे की जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, जिस तरह से अजीत पवार ने छोड़ा, वो सब शिकायत जो लोगों के मन में रोष गुस्सा था, क्या वो इतना कम हो गया है कि परिणाम में फर्क पड़ जाएगा, या वो उतना कम नहीं हुआ है? इस सब की बात हमको 1.5-2 घंटे में स्पष्ट नजर आने लगेगी तस्वीर। जी बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज़ लेकिन अजीत पवार क्या करते हैं जी सर रिजल्ट्स आने के बाद, जी सर ये अभी तक एक दिलचस्प पहेली बनी हुई, यानी अगले 24 से 48 घंटे भी बेहद दिलचस्प होंगे। हमारे साथ न्यूज़ नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर भी जुड़ चुके हैं। मनोज सर, महाराष्ट्र पर हर किसी की नजर है, कितना दिल्चस्प आपको इस बार का चुनाव नजर आया सर? देखिए ये चुनाव तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि यहाँ 6 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, 3-3 पॉलिटिकल पार्टी के अलायंसेज हैं, और मेरे ख्याल से इसमें इस बारी क्योंकि 3 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है, और जिस तरीके से इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट बहुत पावरफुल तरीके से वहाँ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि इंडिपेंडेंट्स की भी इस बारी कोई इम्पोर्टेंट भूमिका हो। और आप देखिएगा कि ये इलेक्शन में एक और जो खास चीज़ है वो क्या है, इसमें जो रूलिंग पार्टी है एनडीए ने एक जो बहुत बड़ा दाव खेला है वो एनडीए की जो लाडली बहन योजना है, क्योंकि इस तरह की योजना मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल थी, और उसी तरीके से इन्होंने ये जो 1,500 रुपये पर मंथ का जो इन्होंने दिया है, और ये सारा का सारा ये आखिर मतलब कि चुनाव से जस्ट पहले ही ये पैसा उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में आया है, तो आप ये देखिएगा कि 6,000 रुपये एक महिला के बैंक अकाउंट में आया है, और ये हो सकता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जैसे न्यूज़ थी कि महिलाओं का वोट परसेंटेज इस बारी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, तो अगर वो बीजेपी अलायंस को जाता है तो मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की वेलफेयर स्कीम का देश की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मतलब कि एक अकेली बात नहीं है, क्योंकि जिस समय एनडीए ने वहाँ 1,500 रुपये की बात करी थी, तो उसके बाद सीधा कांग्रेस ने बोला कि अगर हम आ गए तो हम 3,000 रुपये देंगे। तो एक्सचेकर पे यानी टैक्स पेयर्स पे क्या कुछ पड़ रहा है इसका असर, राज्य के बजट पर क्या पड़ रहा है इसका असर, माली हालत पर क्या कुछ पड़ रहा है सर, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हिमानी जो टैली है वो अब तेजी से बदल रही है। देखिए महाराष्ट्र में 40 सीटों की, हम बता दें दर्शकों को, ये पोस्टल बैलेट हैं, महाराष्ट्र में 40 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है 14 सीटों पर, और झारखंड में भी लगभग वही स्थिति, 36 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 14 सीटों पर आगे। और मुंबा देवी से देखिए बताया जा रहा है कि शायना एनसी पीछे चल रही है, हालांकि ये बीजेपी नेता हैं, लेकिन देखिए ये शिवसेना के टिकट पर, मुंबा देवी से टिकट पर हैं, और ऐसे सिर्फ शायना एनसी नहीं बल्कि ऐसे कई चेहरे हैं अनुराग, कई नेता हैं बीजेपी के जो कि शिवसेना अपने सहयोगी पार्टी जो हैं उनके टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ज्यादातर सीटों पर जो जानकारी इस वक्त मिल रही है उस पर बीजेपी आगे चल रही है। मालेगांव सीट की अगर हम बात करें वहां से बीजेपी आगे चल रही है, और बताया जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन है अनुराग, और मालेगांव की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आगे चलना बेहद दिलचस्प होगा राजनीति के लिहाज से। हमारे सहयोगी विलास अठावले हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विलास, अभी मनोज सर ने कहा कि देखिए जो इंडिपेंडेंट है उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 13 निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे, लगभग 10% वोट मिला था निर्दलियों को, राज ठाकरे की पार्टी को मिले कुल वोट से लगभग 4 गुना ज्यादा, क्या इस बार भी वही स्थिति है निर्दलीय विधायकों की?
देखिए 2019 से पहले हमें जाना चाहिए 95 में तकरीबन 40 से 42 इंडिपेंडेंट जो है वो चुन के आए थे और उन्होंने तय किया था कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें हर्षवर्धन पाटिल जो है वो अभी शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बागी है उनको मैदान में उतारा गया है, वो फिर बीजेपी हो या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या सभी कांग्रेस ने भी अपने बागी जो है उनको समर्थन दिया है। तो ये मानना होगा कि तीन पार्टी एक साथ आने के बाद उनमें से जो दो पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार हैं वो रह जाते हैं और साथ साथ जिनको चुनाव लड़ना है वो भी खड़े हो जाते हैं। तो तकरीबन 25 से 30 बागी जो है वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन पार्टी वाइज खड़े हैं और बाकी वंचित बहुजन आघाड़ी ये भी बीच में खड़ी है। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो आने वाली सरकार ये बागियों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती, ये तो तय है। दूसरी एक बात, महायुति के तीनों पार्टी ने लाडली बहन योजना को जिस तरह से चलाया है पूरे महाराष्ट्र में, वो संभाजीनगर हो या कोल्हापुर हो या नंदुरबार हो, इन जगह के ऊपर जिस प्रकार से इवेंट किया है उस योजना का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं महायुति को थोड़ा सा फायदा बिल्कुल हो सकता है। वो 5% रहे या 10% रहे, लेकिन लोकसभा में जो मार्जिन था तकरीबन 160 सीटों के ऊपर, जो लोग विधानसभा की, यानी लोकसभा की 48 सीटें और विधानसभा की 160 सीटों के ऊपर महाविकास आघाड़ी आगे थी, वो कम मार्जिन से थी। वो 5,000 रहे या 10,000 रहे या 2,000 रहे, ऐसे मार्जिन से थी। ये मार्जिन महायुति ने निकालने की कोशिश की है, जिसमें एकनाथ शिंदे का रोल जो है वो बहुत अहम रहा। एकनाथ शिंदे का जो प्रचार था वो सुबह से लेकर रात तक वो प्रचार में बिजी थे, उनका मैनेजमेंट भी अच्छा था और साम दाम दंडभेद की जो नीति है वो एकनाथ शिंदे ने इस चुनाव में दी है। बिकॉज इसका कारण यही है कि अगर इस चुनाव में एकनाथ शिंदे अगर कम सीटें लाते हैं तो उनका पूरा अस्तित्व जो है, उनकी जो पार्टी है वो नहीं बचेगी। तो पूरी ताकत जो है एकनाथ शिंदे ने लगाई थी। दूसरी ओर मैं बता दूँ कि शरद पवार ने इस चुनाव में अपने करियर की पूरी ताकत जो है वो लगा दी। आप देखिए 80 से लेकर 85 सीटें जो है वो एक उम्मीदवार जो है वो चुन कर शरद पवार ने इस चुनाव में रखा है, जिससे शरद पवार के पार्टी को ज़्यादा, यानी महाविकास आघाड़ी में तीन पार्टियां उनमें से शरद पवार की पार्टी को ज़्यादा सीटें आ सकती है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे सहयोगी जो तमाम वो पूरा किस तरीके से क्या रहा, वो तमाम इक्वेशंस जो इस बार बदले और यहाँ पर शिंदे की भूमिका, शरद पवार की, तमाम चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले एनके सर, हम राज ठाकरे को लेकर भी अनुराग मेरे सहयोगी ने जिक्र किया था, आप उनको क्या, अपने बेटे के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, उन सरकार की तरफ से, महायुति की तरफ से उनको सपोर्ट है, लेकिन हमने देखा कि शिंदे को लेकर या तमाम चीज़ों पर, तमाम मंचों पर उन्होंने किस तरह से जो कुछ विवादित टिप्पणियां हैं वो यहां पर की, क्या आप देखते हैं उनका रोल, उनकी रेलेवेंस की लड़ाई है या वजूद की लड़ाई है राज ठाकरे की? हाँ, राज ठाकरे देखिए, अब एक नॉन डिस्क्रिप्ट राज ठाकरे को आप पॉलिटिक्स में उनको लगभग आप माइनस करके चलें, और जब से इमरजेंस हुआ है, राज ठाकरे जब से अलग हुए हैं, उस समय मुद्दा क्या था कि क्या बाल ठाकरे जी की विरासत राज ठाकरे के पास रहेगी या उद्धव ठाकरे, आपने देखा कि जनता ने उनको खारिज कर दिया और लगातार उस प्रोसेस पे रहे हैं। अब कुछ छोटे मोटे टाई अप बना के अगर लेना भी चाहते तो बहुत ही लोकलाइज्ड होगा उनका इन्फ्लुएंस। 2019 में 1 MLA आया था उनका, 2% लगभग वोट मिला था। जी और वो 2% मिला था, बहुत ही लोकलाइज था, उसको अगर उस तरह देखेंगे पूरे महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही लोकलाइज्ड इन्फ्लुएंस रहा है उनका। पैन महाराष्ट्र तो कैरेक्टर रहा नहीं है उनके इन्फ्लुएंस का, तो हमें लगता है कि राज ठाकरे इन्फ्लुएंस करेंगे तो 2-3-4 सीटों पर ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो सीनेरियो है उसमें आपको देखना होगा कि ये इशू ये है कि क्या बाल ठाकरे की विरासत, लोकसभा इलेक्शन अलग है लेकिन बाल ठाकरे की विरासत क्या उद्धव ठाकरे में अभी भी बरकरार है या वो शिफ्ट हो रही है, या शरद पवार जिन्होंने सुगर उसमें अगर आप देखें तो सुगर बेल्ट में जिस तरह किया है कि महाराष्ट्र आज भी यूपी और महाराष्ट्र सुगर हिल्ड की जहाँ तक बात होती है बेस्ट माने जाते हैं, तो सुगर लॉबी जो है या प्याज है वहाँ पे लासलगांव का प्याज है, ये सब अगर आप देखें तो शरद पवार का आज भी वर्चस्व है। अगर आप वहां जाइए उन इलाकों में तो वो सीधे कहते हैं नहीं साहब, साहब को छोड़ के किसी को नहीं देंगे वोट।